पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे दो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सहायक जेल सुपरिटेंडेंट हैं, जिसे जेल की हवालाती को जेल में परेशान नहीं करने के एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगने के एवज में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। इस रिश्वत के पैसे को लेने वाले जेल के बाहर चाय की दुकान चलाने वाले युवक को भी विजिलेंस ने रिश्वत के पैसे के साथ गिरफ्तार किया है। यही नहीं, पहले भी शिकायतकर्ता सहायक जेल सुपरिटेंडेंट को 24,000 दे चुके हैं। फिलहाल विजिलेंस ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल इन्हें एक अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि रोहतक जिले के भेड़ी महाराजपुर के रहने वाले जोगिंद्र और संदीप रेलवे पुलिस के एक मामले में सुनारिया जेल में बंद हैं। जोगिंद्र के पिता कृष्ण कुमार ने विजिलेंस को एक शिकायत दी थी कि सहायक जेल सुपरिटेंडेंट जोगिंद्र सिंह संदीप को जेल में परेशान करता है। उसकी परेशानी से बचने के लिए उसने 1 लाख की रिश्वत की मांग कर रहा है और वो पैसा उसने जेल के बाहर चाय की दुकान चलाने वाले अनिल के पास देने की बात कही है। जैसे ही एजेंट ने रिश्वत ली तो विजिलेंस ने रंगे हाथों काबू कर लिया। हम मिनी सेक्रेटरी में मौजूद थे अपनी टीम के साथ, तो हमारे पास कंप्लेनेंट शिकायत करता है कृष्ण कुमार, जो कि भैणी महाराजपुर जिला रोहतक के रहने वाले हैं। उनका मोबाइल से कॉल आई तो जिन्होंने बताया कि किसी भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर उन्होंने रेड करवानी है, उनको परेशान कर रहा है। तो उन्होंने हमें लिखित शिकायत अपनी दी और शिकायत में जो मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता का लड़का है जिसका जोगिंदर नाम है और एक उसका भाई है जो कि उसका पड़ोसी गांव का संदीप, वो दोनों ही RPF थाने के एक मुकदमा नंबर 1/23 है उसमें अरेस्टेड है और अभी सुनारिया जेल में बंद है। तो जो संदीप इसका पड़ोसी भाई है शिकायतकर्ता का, इसको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 महीने पहले भी इन्होंने पैसों की मांग की थी, उस टाइम पे भी इन्होंने कुछ 25,000 के करीब पैसे हैंड ओवर किए थे और अब फिर से पैसों की मांग की जा रही थी। अब की बार 1 लाख रुपए की मांग की गई, जो कि संदीप ने शिकायतकर्ता को बताया। उसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल से जोगिंदर सिंह है जो कि असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनके मोबाइल पर कॉल की, तो उनसे भी पैसे की 1 लाख रुपये की मांग की गई संदीप की एवज में, जो कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर ली और आज उन्होंने ये रिकॉर्डिंग पुलिस को भी सुनाई है। और उनकी रिकॉर्डिंग से और जो उनको शिकायत दी है उससे हमारा मुकदमा 7 PC Act का बना और हमने रजिस्टर करके पूरी रेड वगैरह की कार्रवाई हमने दुरुस्त तरीके से की और शिकायतकर्ता के साथ हम मौके पर पहुंचे हैं जेल परिसर के पास। सर, जो ये पकड़े गए हैं इनका क्या पद है और किस इसमें परेशान कर रहे हैं? इसमें जो कि डिमांड इनिशियली कर रहा था वो है जोगिंदर सिंह, वो असिस्टेंट जेल स्टूडेंट है जो अभी 2022 में प्रमोट हुआ है और 3.5 साल से सुनारिया जेल में जिसकी ड्यूटी है, उसके द्वारा मांग की गई थी डायरेक्ट और उसके द्वारा ही आगे उसका जो जानकार है अनिल, जो कि चाय की दुकान पर रखी है सुनारिया खुर्द गांव का रहने वाला है, उसको पैसे हैंड ओवर करने के लिए इन्होंने बोला था जोगिंदर ने। तो उसी के बिहाफ पर आज जैसे ही पैसे हैंड ओवर किए हैं अनिल को, तो हमने उसको रंगे हाथ मौके पे काबू कर लिया है और उसको भी अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद जेल में जाके हमने जो दूसरा हमारा एक्यूज था जोगिंदर सिंह असिस्टेंट जेल स्टूडेंट, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट में इनको कल पेश किया जाएगा और बाकी आगे की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाएंगी। बता दें जैसे इस पूरे मामले की शिकायत विजिलेंस को मिली, उसने मामला दर्ज कर टीम का गठन किया और रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV।